दोस्तों मेमोरी यानी याददाश्त बहुत जरूरी होती है। हम यंग हैं, याददाश्त अच्छी है, मगर जैसे उम्र अपनी बढ़ती जाती है, जैसे हम सीनियर हो जाते हैं, 65, 70, 75, 80, धीरे धीरे अपनी याददाश्त कम हो जाती है। मगर बचपन में आपने क्या किया, बचपन के आपके दोस्त, आपने कैसे पहाड़ पर आपने जाकर कोई एक्टिविटी की हो, कैसे आपने पेड़ पर चढ़कर आम निकाले हो, वो जो है मेमोरी अच्छी रहती है, जिसे हम पास्ट मेमोरी कहते हैं। बचपन में कैसे आपने नदी में स्विमिंग की हो, वो सब याद रहता है। स्कूल के फ्रेंड्स याद रहते हैं, मोहल्ले में जो हमने क्रिकेट खेली हो वो याद रहता है, मगर जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं। इसे डिमेंशिया कहते हैं एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल इन ओल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड एज सीनाइल डिमेंशिया। सीनाइल डिमेंशिया बहुत कॉमन है, मगर जब पेशेंट थोड़ा और एडवांस हो जाता है, यानी खाना भूल जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भूलने लग जाता है, एकदम नाम भूल जाता है, खुद की केयर करना भूल जाता है, शेविंग करना भूल जाता है, कपड़े पहनना भूल जाता है, नहाना भूल जाता है, तो वो अल्जाइमर डिसीज में ये केस जाती है। दोस्तों होम्योपैथी में, मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी में बहुत ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं सबके लिए। नॉर्मल जो डिमेंशिया है उसके लिए भी हमारे पास दवाइयाँ हैं, और जब एडवांस्ड केस होती है उसके लिए भी दवाइयाँ हैं। सक्सेस शायद कम होगा, पर दवाइयाँ हैं, और कुछ अंश तक अल्जाइमर डिसीज और एडवांस अल्जाइमर डिसीज में भी हम सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बराबर करें, एक अच्छे न्यूरोफिजिशियन को दिखाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन एमआरआई निकालिए, और कुछ करेक्टेबल कॉज है क्या वो देखना बहुत आवश्यक होता है। एक मेरे टीचर के साथ मैंने केस देखी थी, वो याददाश्त के प्रॉब्लम उनको थी और वो चल नहीं पा रहे थे, उनका गेट जो है वो एप्रेक्सिक हुआ था और प्लस उनको पेशाब जो है वो निकलती थी। तो ये ट्रायड जो है ये हमें नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस में दिखने मिलता है, जब यहाँ का दाब बढ़ जाता है, और अक्सर लंबर पंक्चर करने से ये पेशेंट ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि करेक्टेबल कॉजेज जो हैं जानना बहुत ज़रूरी है, और ये एक निपुण आदमी, एक न्यूरोफिजिशियन ही कर सकता है, या जिसको उसमें बहुत नॉलेज हो। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप प्लीज़ प्रॉपर केस को इन्वेस्टिगेट करें। कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है क्या, सोडियम बॉडी में कम होता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम मसले हो सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयाँ हैं दोस्तों, कहाँ गई किताब ये, तो मेमोरी लॉस, ये फाटक पाठक जी की बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है ये, और हमारे सर्व बुक्स में मेमोरी लॉस के लिए अच्छे अच्छे ड्रग्स बताए हैं। हमने भी बहुत से पेशेंट्स देखे हैं और मेमोरी लॉस के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है। तो एनाकार्डियम एक रेमेडी है, बेलेडोना है, हायोसाइमस है। हायोसाइमस में पेशेंट थोड़ा सा क्या होता है, कपड़े निकालने लगता है, थोड़ा थूकने लग जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, एग्रेशन में आ जाता है हायोसाइमस में। मर्क, सॉल, नेट्रम्यूर, बेलेडोना, जो एक्यूट डिमेंशिया जो होता है, एक्यूट डिमेंशियाज जो होते हैं, डिमेंशिया कुछ सडनली हो गया, कुछ एक स्ट्रोक आ गया, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया होता है, उसमें आर्निका और बेलेडोना भी अच्छा काम करता है। दोस्तों होम्योपैथी बहुत वास्ट साइंस है, मैं कहता हूँ हर एक साइंस वास्ट है, सभी आप अगर डीप में जाएं तो एक सागर आपको पता चलेगा। मैं क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ, मेरे गुरुजी कहते थे कि राग यमन ही एक सागर है, आप उम्र भर राग यमन सीख सकते हो फिर भी आप रहेगा कि ये कम है। तो कोई भी साइंस वास्ट होता है, होम्योपैथी भी बहुत वास्ट है, और जब आपके माता पिता को, दादा दादी को, किसी को सिम्टम्स आएँ तो प्लीज़ आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर हिस्ट्री डिटेल लेके आप उनको योग्य दवाई हम उनको दे सकते हैं। मैं भी आपके सेवा के तत्पर हूँ। मेरा नंबर है 91, वो इंडिया है, 9323971760, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर ही मिलेगा। प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कीजिए, मैं 18-18 घंटे व्यस्त रहता हूँ पेशेंट के साथ। आप व्हाट्सएप के मैसेज कीजिए, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और आपको हम जो हेल्प कर सकेंगे वो आप हम आपको करेंगे। रिपीटिंग नाउ दोस्तों, डिमेंशिया इज ट्रीटेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और हम डिमेंशिया के पेशेंट्स यानी जो मेमोरी लॉस के पेशेंट्स को बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। इसमें उनको थोड़ा इंगेज करना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बहुत बिजी हो गए अपने लाइफ में, माता पिता के पास को देने के लिए टाइम नहीं अपने पास, तो वो ऐसे मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, मोहल्ले में आजू बाजू में थोड़ा सा उनको घुमाइए,
थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी पेशेंट को राहत मिलती है। दोस्तों हम मिलते हैं ज़रूर, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से हमें बताती जाइए। नमस्कार, स्टे वेल, स्टे फिट।